नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी टाइम पर। स्टडी टाइम, लर्न विथ फन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन, जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ द हिंदू फर्स्ट वीक का करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कपिल देव ऑनर्ड विथ भारत गौरव अवार्ड। कपिल देव जी को भारत गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया है, उनको ये दिया गया है सम्मान। कहाँ मिला ये? बाई ईस्ट बंगाल क्लब, जो फुटबॉल का ईस्ट बंगाल क्लब है उसने ये सम्मान कपिल देव जी को दिया है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट, कोल्हापुर बॉर्न साइंटिस्ट आतिश दाभिलकर विंस ग्लोबल ऑनर। जो कोल्हापुर के साइंटिस्ट हैं एक आतिश दाभिलकर, जो कोल्हापुर में पैदा हुए हैं, उनको क्या मिला है? साइंटिस्ट अवार्ड मिला एक। ही बिकम्स डायरेक्टर ऑफ अब्दुल सलाम इंटरनेशनल सेंटर ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स इन इटली। ये आईसीटी के क्या बन गए हैं? डायरेक्टर बन गए हैं। तो इनका नाम याद रखिएगा, आतिश दाभिलकर जी। और इन्होंने क्या जीता है? ग्लोबल ऑनर जीता हुआ है। नेक्स्ट, 52 एशियन फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग इन बैंकॉक। जो 52वीं आसियान की फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग है वो कहाँ पर हुई है? थाईलैंड, बैंकॉक। नेक्स्ट, द 22 या फिर द 22nd नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस 2019 विल बी हेल्ड इन सिलोंग। जो 22वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है ई गवर्नेंस की, वो कहाँ पर हुई है? मेघालय, सिलोंग। नेक्स्ट, कांग्रेस चीफ आउट ऑफ जलियांवाला बाग ट्रस्ट। जो कांग्रेस के चीफ है वो जलियांवाला बाग ट्रस्ट से क्या कर दिए गए? आउट कर दिए गए, उनको उससे बाहर हटा दिया गया। उससे पहले क्या होता था दोस्तों, कि जो जलियांवाला बाग ट्रस्ट है उसमें कांग्रेस का जो चीफ रहता था वो क्या रहता था? उसका मेंबर रहता ही रहता था। बट अभी एक बिल आया है लोकसभा में, उसमें क्या हुआ है? कांग्रेस चीफ को हटा दिया गया है। सो लोकसभा पासेस बिल अमिट एक्रीमोनी एंड अ वॉकआउट बाई द कांग्रेस, और इसको कांग्रेस द्वारा वॉकआउट कर दिया गया। नेक्स्ट देखिए, राजीव कुमार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी। तो जो राजीव कुमार जी हैं इनको नया फाइनेंस सेक्रेटरी बनाया गया है, ठीक है? नाम याद रखिएगा, राजीव कुमार। नए फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है? राजीव कुमार। नेक्स्ट, 48 मेंबर कॉन्टिजेंट विच विल रिप्रेजेंट इंडिया एट द बिगेस्ट शोकेस ऑफ स्किल एक्सीलेंस इन द वर्ल्ड कॉल्ड वर्ल्ड स्किल इंटरनेशनल कंपटीशन 2019, ऑल्सो रेफर्ड एज द ओलंपिक्स फॉर स्किल। द इवेंट इज शेड्यूल्ड इन कजान, रशिया, फ्रॉम 22 to 27 अगस्त 2019। तो जो हमारे 48 मेंबर थे उन्होंने क्या किया है? रिप्रेजेंट किया है इंडिया को एक जो बहुत बड़ा टूर्नामेंट है स्किल एक्सीलेंस इन द वर्ल्ड उसका, तो उसको क्या बोला जाता है? वर्ल्ड स्किल्स इंटरनेशनल कंपटीशन। उसमें हमारे 48 मेंबर्स ने क्या किया है? पार्टिसिपेट किया है, इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। ओके, इसको साथ में और क्या नाम से जाना जाता है? ओलंपिक्स फॉर स्किल, स्किल का ओलंपिक भी कहते हैं इसको। तो ये कहाँ पर हुआ है याद रखिएगा? रशिया में हुआ है। ओके, ठीक है, रशिया में हुआ है, याद रखिएगा, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, ऐसे ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि कहाँ पर हुआ है जो ओलंपिक्स फॉर स्किल है वो कहाँ पर हुआ है, तो आपको याद रखना होगा रशिया में। नेक्स्ट, सिंगर मेडन रेसिपिएंट्स ऑफ उर्दू प्रमोशन अवार्ड। तो जो न्यू दिल्ली गवर्नमेंट ने एक क्या किया है, एक नया अवार्ड देना स्टार्ट किया है। तो द दिल्ली गवर्नमेंट ऑन फ्राइडे अनाउंस अ न्यू अवार्ड फॉर द प्रमोशन ऑफ उर्दू लिटरेचर आर्ट एंड कल्चर। तो उर्दू के आर्ट एंड कल्चर और उसके लिटरेचर के लिए एक नया अवार्ड क्या हुआ है, अभी देना स्टार्ट किया है। तो जो फर्स्ट रेसिपिएंट है इसके वो कौन है? विल बी गज़ल सिंगर्स अहमद हुसैन। गज़ल सिंगर हैं अहमद हुसैन जी, इनको फर्स्ट अवार्ड ये दिया गया है। एंड मोहम्मद हुसैन, और मोहम्मद हुसैन जी हैं, फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू प्रमोटिंग उर्दू, उर्दू में अपना योगदान देने के लिए, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए,
कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द सेटिंग अप ऑफ इसरो टेक्निकल लाइसन यूनिट एट मॉस्को। तो जो नई यूनिट स्टार्ट हो रही है ये कहाँ पर हो रही है? मॉस्को में। तो याद रखिएगा कौन स्टार्ट कर रहा है इसको, कौन लगा रहा है? इसरो। तो इसरो की टेक्निकल लाइसन यूनिट है जो ITLU, वो कहाँ पर इस्टेब्लिश हो रही है? मॉस्को में। ठीक है, आगे चलिए। अर्जन के सीकरी ये क्या है? अम्बड्समैन ऑफिसर ऑफ इंडियन फेडरेशन ऑफ स्पोर्ट गेमिंग। तो इंडियन स्पोर्ट्स गेमिंग के जो क्या हैं, एक नए लोकपाल बनाए गए हैं, वो कौन है? अर्जन के सीकरी जी, अर्जन कुमार सीकरी जी, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अर्जन कुमार सीकरी जी क्या बनाए गए हैं? नए लोकपाल बनाए गए हैं। नेक्स्ट, सिंगापुर टॉप्ड एशिया इन डेल ग्लोबल वोमेन एंटरप्रेन्योर सिटीज इन इंडेक्स 2019। तो जो सिंगापुर ने क्या किया दोस्तों, टॉप किया है, सिंगापुर ने क्या किया है? टॉप किया है एशियन इन डेल ग्लोबल वोमेन एंटरप्रेन्योर सिटीज इंडेक्स में, ठीक है, 2019। तो इसमें सिंगापुर ने क्या किया है? टॉप किया है, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे। अभी एक नया बिल यूपीए ने क्या किया है, एनडीए ने पास किया है, ओके, क्या है? द यूपीए यूएपीए बिल 2019 अमेंड्स द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967। सम हाइलाइट्स, तो उसके कुछ क्या दिए हैं यहाँ पर, हाईलाइट दिए गए हैं। इसमें क्या है दोस्तों, मेजर जो हाईलाइट्स हैं, मुख्यता जो है वो क्या है कि इसमें अब हम मतलब सरकार किसी भी इंडिविजुअल को भी क्या टेररिस्ट घोषित कर देगी। तो इसमें क्या दिया है, टेररिज्म में अंडर द एक्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट मैनी डेजिग्नेटेड एन ऑर्गेनाइजेशन एज अ टेररिस्ट। तो किसी ऑर्गेनाइजेशन को तो करेगी, साथ में उस ऑर्गेनाइजेशन के हेड को या फिर किसी भी इंडिविजुअल को आप सरकार क्या कर सकती है, टेररिस्ट घोषित कर सकती है। चलिए आगे देखिए, तो इस बिल का मेन चीज़ यही है। चलिए आगे देखिए, इंडियन स्टूडेंट्स विन वर्ल्ड डिबेटिंग चैंपियनशिप। किसके साथ जीती है, किसके खिलाफ जीती है? कनाडा से जीती है, ओके। तो इंडियन स्टूडेंट्स ने जो डिबेटिंग वर्ल्ड डिबेटिंग चैंपियनशिप जीती है, किसके खिलाफ जीती है? कनाडा ने। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्या वर्ल्ड डिबेटिंग चैंपियनशिप ने, वर्ल्ड डिबेटिंग चैंपियनशिप किसने जीती है? तो किसने जीती है दोस्तों, इंडियन स्टूडेंट्स ने, और किसके खिलाफ? कनाडा। नेक्स्ट, रवीश कुमार रिसीव रेमन मैग्सेसे अवार्ड। आप सब जानते होंगे रवीश कुमार जी को, NDTV में एंकर हैं, NDTV चैनल में, और जिन्होंने क्या किया था, SSC प्रोटेस्ट और स्टूडेंट्स की बहुत सारी न्यूज़ दिखाते हैं, है ना, स्टूडेंट्स की बहुत हेल्प करते हैं, तो उनको क्या मिला है, रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है। इसको दोस्तों साथ में क्या बोलते हैं, एशिया नोबल प्राइज, एशिया का नोबल प्राइज भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे। लंडन हैज बीन नेम्ड एज द वर्ल्ड्स बेस्ट सिटी फॉर स्टूडेंट्स फॉर द सेकेंड कंसेक्यूटिव ईयर। लंडन को क्या दूसरी बार क्या दे दिया गया है, एक ऐसा स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेहतर शहर बताया गया है। सो द QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग कंपाइल्ड बाई ग्लोबल एजुकेशन कंसल्टेंसी, ओके। तो किसके द्वारा ये बनाई गई है, ग्लोबल एजुकेशन कंसल्टेंसी के द्वारा। QS मीन्स क्या होता है, क्वाकरेली साइमंड्स, ओके। तो ये इसमें सबसे बेस्ट सिटीज़ कौन सी आई है, लंदन, और इंडिया बेस्ट स्टूडेंट सिटी, और इसने इंडिया की भी रैंकिंग दी हुई है। तो इंडिया में जो सबसे बेस्ट सिटी है इंडिया में स्टूडेंट्स के लिए, वो कौन सी है, बेंगलोर, जिसको इसमें वर्ल्ड में कौन सा प्लेस है, कौन सी रैंक आई है, 81 रैंक। तो याद रखिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कौन सी रैंक है इंडिया की, 81 रैंक, बेंगलोर, मुंबई 85 रैंक, एंड दिल्ली 113, एंड चेन्नई रैंक 115 रैंक है। चेन्नई का 115 रैंक है, दिल्ली का 113 है, मुंबई का 85 है, एंड बेंगलुरु का 81 है। मतलब इंडिया में सबसे बेहतर कौन सा शहर है स्टूडेंट्स के लिए, बेंगलोर। नेक्स्ट, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS वुड सेट अप अ पाश्मीना टेस्टिंग सेंटर इन लेह। अभी दोस्तों न्यूज़ में चल रहा है जम्मू कश्मीर, तो क्या है यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है।
तो पासमीना शॉल आप जानते होंगे जम्मू कश्मीर का फेमस शॉल है ना, तो क्या हो रहा है उसके लिए एक टेस्टिंग सेंटर बनाया जा रहा है, कहाँ पर, लेह में। कहाँ पर है ये, लद्दाख। आपको पता है अभी क्या हुआ है, जम्मू कश्मीर को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, लेह लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर टू टेरिटरीज बना दी गई हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या हो सकता है, करंट में चल रहा है अभी, तो करंट में जम्मू कश्मीर भी चल रहा है, उसका मुद्दा चल रहा है, तो क्या हो सकता है क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। चलिए आगे, आर एन कोविंद एक्सटेंड असिस्टेंस ऑफ यूएसडी 5 lakh इन सपोर्ट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड कॉटेज इंडस्ट्री प्रोजेक्ट इन द गाम्बिया। तो 5 lakh rupees, 5 lakh dollar किसको दिए हैं, गाम्बिया को, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, कैपिटल क्या है गाम्बिया का, बेंजुल, एंड करेंसी दलाशी। आगे देखिए, रेटिंग एजेंसी क्रसिल हैज कट इट्स फॉरकास्ट फॉर इंडिया जीडीपी ग्रोथ टू 6.9% फ्रॉम 7.1%। तो जो क्रसिल है, क्रसिल CRISIL, इसने क्या कर दिया है, इंडिया की जो फोरकास्ट थी जीडीपी ग्रोथ की उसको कम कर दिया है, पहले कितना दिया था 7.1, जो अब घटाकर 6.9 कर दी है। तो इंडिया की फॉरकास्ट क्या है, जीडीपी ग्रोथ कम करती, सभी लगभग सभी द्वारा क्या की जा रही है, कम की जा रही है, ठीक है। आगे चलिए दोस्तों, हेलो वर्ल्ड, ये क्या है, जो हमारा अभी मून मिशन गया हुआ था चंद्रयान 2, उसी का कुछ यहाँ पे दिया गया है। इसमें क्या है, वो अपने पाथ पे रेगुलर चल रहा है, अभी वो सही दिशा में चलता जा रहा है, और उसने पहली इमेज भी भेजी हुई है अर्थ की, तो यहाँ पर वो दिखाया गया, इसलिए मैंने आपको ये क्या कर दिया है, इमेजेस लगा दिए। आगे देखिए, मालकलम नाश पास्ट अवे, इंग्लिश क्रिकेटर। ये क्या थे, इंग्लिश क्रिकेटर थे। एग्जाम में पूछेगा कि मालकलम नाश क्या थे, इंग्लिश क्रिकेटर, ओके, इनका क्या हो गया, डेथ हो गया अभी। नेक्स्ट, स्टैचू ऑफ यूनिटी हैज़ बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर यूके बेस्ड स्ट्रक्चरल अवार्ड 2019। तो जो यूके बेस्ड स्ट्रक्चरल अवार्ड 2019 है, उसमें स्टैचू ऑफ यूनिटी को शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया, चुन लिया गया है, अभी दिया नहीं गया दोस्तों, उसमें उसको क्या कर लिया गया, चुन लिया गया कि इनमें से आपको ये 10-20 जितना भी वो लिस्ट बनाते होंगे उनमें से फिर किसी को देते होंगे रैंक, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो अभी उसमें शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया, ओके। तो याद रखिएगा, इंडिया से किसको शॉर्ट लिस्ट किया गया, स्टैचू ऑफ यूनिटी। आगे चलिए, ये देखिए, स्टैचू ऑफ यूनिटी शॉर्ट लिस्टेड फॉर यूके बेस्ड स्ट्रक्चरल अवार्ड, सो विनर टू बी अनाउंस्ड ऑन नवंबर 15 को क्या होगा, इसका विनर चुना जाएगा कि क्या हो सकता है कि कौन हो, है ना, हो सकता है स्टैचू ऑफ यूनिटी को ही मिल जाए, मिलना भी चाहिए, भारत के लिए बहुत गौरव की बात होगी। तो देखिए, आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में पता होना चाहिए, क्या है, 182 मीटर टॉल स्टैचू है। चलिए आगे, 10th मेकोंग गंगा कोऑपरेशन मिनिस्ट्रियल मीटिंग टेक्स प्लेस इन बैंकॉक। तो जो 10वीं मेकोंग गंगा कोऑपरेशन मिनिस्ट्रियल मीटिंग है वो कहाँ पर हुई है, बैंकॉक, याद रखिएगा कहाँ हुई है, बैंकॉक। नेक्स्ट, आदि परक्कू फेस्टिवल, ये कहाँ पर होता है, तमिलनाडु का है ये फेस्टिवल, वगैरह सारे द हिंदू में और कभी कभी कोई न्यूज़ आती रहती है वहाँ से मैं आपके लिए रखता रहता हूँ, इससे आपका करंट तो अपडेट होता ही है, साथ में जर्नल नॉलेज भी इम्प्रूव होता है, तो आप इस सेशन को लगातार देखते रहें, आपके लिए मंथ में 4 वीडियोज़ आएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ वीक, ठीक है। चलिए आगे, महाराष्ट्र बिकम्स द फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट अ डिजिटल फिंगरप्रिंट एंड आयरिस स्कैनिंग सिस्टम टू एड पॉलिसीज इन्वेस्टिगेशंस। क्या हुआ है, तो महाराष्ट्र ऐसा पहला देश बन गया है, सॉरी दोस्तों, महाराष्ट्र पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने क्या किया है, प्रिंट फिंगरप्रिंट्स और आयरिस स्कैनिंग सिस्टम अपने वहाँ पे लागू किया है, ठीक है। इससे क्या होगा, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में भी उनको हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट देखिए, गिरिराज प्रसाद गुप्ता टुक ओवर एज द कंट्रोलर फेडरल ऑफ फाइनेंशियल ऑफ अकाउंट, जो उसके कैग बनाए गए हैं CGA, वो कौन है, कौन बनाए गए, गिरिराज प्रसाद जी,
किसको बनाया है, सीजीए कौन बने हैं अभी, गिरिराज प्रसाद जी। नेक्स्ट कर्पूरी देवी पास्ड अवे, जो अभी कर्पूरी देवी जी हैं वो क्या हो गई हैं, उनकी डेथ हो गई है। और कर्पूरी देवी जी क्या थी, सी वॉज अ फेमस मधुबनी पेंटिंग आर्टिस्ट, जो बिहार में होती है मधुबनी पेंटिंग, तो वो बहुत अच्छी फेमस पेंटर थी। तो नेम क्या है, कर्पूरी देवी जी। ठीक है, आपसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है आएगा कि कर्पूरी देवी जी क्या थी, तो फेमस मधुबनी पेंटर थी। नेक्स्ट देखिए, आमिर खान लॉन्चेस मिशन शक्ति, तो आमिर खान जी ने मिशन शक्ति लॉन्च कर दिया है। मिशन शक्ति क्या है दोस्तों, स्पोर्ट्स में क्या होना, आदिवासी क्षेत्रों से जो लोगों उनको क्या करना, और ज़्यादा गेम में आगे लाना, स्पोर्ट्स में आगे लाना, जिससे क्या हो, ये 2024 ओके उसकी ये तैयारी हो रही है। तो आमिर खान जी ने मिशन शक्ति लॉन्च कर दिया है। आप कंफ्यूज मत होइएगा, काफ़ी सारे मिशन शक्ति नेम से मिशन लॉन्च किए गए हैं। जैसे अभी एक हमारा सैटेलाइट का मिशन शक्ति लॉन्च हुआ था, है ना, एक ऐसे करके बहुत से मिशन लॉन्च किए गए थे मिशन शक्ति नेम से, ओके। तो आमिर खान जी ने अभी क्या किया है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है ये मिशन शक्ति। आगे चलिए, तो किसने लॉन्च किया, आमिर खान प्लस महाराष्ट्र गवर्नमेंट की हेल्प से ये मिशन शक्ति ऑपरेट होगा, चलेगा। नेक्स्ट, ये जो इनिशिएटिव है ये किसने लिया है, आमिर खान जी ने। नेक्स्ट देखिए, क्रिकेट कमेंटेटर आनंद सीतलवाड पासिस अवे, तो जो आनंद सीतलवाड जी हैं ये अभी इनका डेथ हो गया है। ये क्या थे, क्रिकेट कमेंटेटर थे। नेक्स्ट देखिए, गुजरात जर्नलिस्ट कांति भट्ट पासिस अवे, तो जो गुजरात के क्या थे, एक फेमस जर्नलिस्ट थे, उनकी भी अभी डेथ हो गई है। तो कांति भट्ट जी क्या थे, जर्नलिस्ट थे। एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, एग्जैक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, द वर्ल्ड बैंक डाटा फॉर 2018 शोड दैट इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। जो वर्ल्ड बैंक का डाटा अभी आया है उसमें क्या बताया गया कि इंडिया कौन सी रैंक पर है, 7th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है 7th लार्जेस्ट पूछा जाएगा कि कौन सा, किस नंबर पर है इंडिया का इकोनॉमी, तो किस नंबर पर है, 7th है, ओके। फ्रांस एंड यूक्रेन, यूके, इन्होंने क्या किया, थोड़ा अच्छा कर दिया इस टाइम पे, तो वो आगे निकल गए इंडिया से, ठीक है। वरना अभी कुछ टाइम पहले इंडिया 5वें नंबर पे था, 5th नंबर पर, और अभी 7th पे पहुंच गया है। नेक्स्ट, फर्स्ट पे कौन है, अमेरिका। नेक्स्ट देखिए, अमेरिका और चाइना का तो दबदबा ही रहता है, आपको तो पता ही है ना। चलिए आगे, वज्र इज़ द नेम ऑफ द राइट रियर कंट्रोलर व्हीकल लॉन्च बाई अरुणाचल प्रदेश। जो दंगा वैसे एरिया होते हैं जहाँ पे दंगा हो जाता है, तो वहाँ पर उन दंगाइयों को कंट्रोल करने के लिए कौन सा लॉन्च व्हीकल अभी लॉन्च किया गया है, वज्रा। उसका नेम क्या है, वज्रा। कहाँ पर हुआ है, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, टोनी मॉरिस नोबल लॉरेट्स एंड बिलव्ड ऑथर डाइस। जो टोनी मॉरिस थे वो, उनकी अभी क्या हो गई है, वो अभी उनकी डेथ हो गई है, याद रखिएगा टोनी मॉरिस नेम याद रखिएगा। नेक्स्ट, ये क्या थे, फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन वोमेन टू विन द नोबल इन लिटरेचर। ऐसी पहली अफ्रीकन अमेरिकन वोमेन थी जिन्होंने क्या किया था, लिटरेचर में नोबल पाया था। तो जो पहली महिला थी अफ्रीकन अमेरिकन जिन्होंने लिटरेचर में नोबल पाया था, उनका नेम भी आपको याद रखना है, टोनी मॉरिसन जी हैं, है ना। नेम क्या है, टोनी मॉरिसन जी। और आपसे पूछेंगे कि टोनी मॉरिसन कौन है, तो अफ्रीकन, फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन वोमेन है। आगे चलिए, NSE SGX गेट नॉट फॉर ज्वाइंट प्रपोजल। तो अभी NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड SGX इसने क्या है, मिलके एक प्रपोजल पे साइन किए हैं कि आगे ये मिलकर वर्क करेंगे। नेक्स्ट, तो याद रखिएगा कि किस, किन दो ने किया है, NSE एंड SGX। नेक्स्ट, फाइना कॉलबिंगर फर्स्ट वोमेन टू विन 4000 किलोमीटर साइकिलिंग रेस। तो जो 4000 किलोमीटर साइकिलिंग रेस थी ये किन्होंने जीती है, फाइना कॉलबिंगर। तो याद रखिएगा तो कौन है, फाइना कॉलबिंगर जी। नेक्स्ट, इंटरनेशनल आर्मी स्काउट मास्टर्स कंपटीशन किक्स ऑफ इन जैसलमेर। तो
तो ये जो हो रहा है कहाँ पर हो रहा है, जैसलमेर में, ध्यान दीजिएगा कहाँ हो रहा है, जैसलमेर में, इंटरनेशनल आर्मी स्काउट मास्टर कंपटीशन किक्स ऑफ इन जैसलमेर। तो जो आर्मी इंटरनेशनल आर्मी स्काउट मास्टर्स कंपटीशन, वो दोस्तों कहाँ पर हो रहा है, जैसलमेर। चलिए आगे, इन 1954 द आर्टिकल 35A वॉज एडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अभी आपको पता है आर्टिकल 35A जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया है, तो कब ऐड हुआ था, 1934 में ऐड हुआ था, याद रखिएगा कब ऐड हुआ था, 54 ओके, कब ऐड हुआ था, 1954 में इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था आर्टिकल 35 को, ओके याद रखिएगा आर्टिकल 35A कब ऐड हुआ था, 1954। चलिए आगे, SBI बिकम्स फर्स्ट इंडियन बैंक टू लिंक अप विथ चाइनाज नेशनल एडवांस पेमेंट सिस्टम। तो SBI ऐसा पहला बैंक बन गया है जिसने क्या किया है, चाइना का जो नेशनल एडवांस पेमेंट सिस्टम है उसके साथ क्या करके मिलके काम करेगा, है ना, उसके साथ टाइप किया है, लिंकअप किया है, ठीक है। तो याद रखिएगा कौन है दोस्तों, SBI। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट कोविंद ऑनर्ड विथ नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट हाईएस्ट अवार्ड ऑफ रिपब्लिक ऑफ गिनिया। तो जो गिनिया का सबसे बड़ा ऑनर है, जैसे हमारे यहाँ पे भारत रत्न होता है, वैसे वहाँ का जो था हाईएस्ट अवार्ड, उससे क्या है, रामनाथ कोविंद जी को सम्मानित किया गया है नेशनल अवार्ड, नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट से, ठीक है। नेक्स्ट, शिल्पा शेट्टी वन द ग्लोबल इंडियन आइकन अवार्ड 2018 एट द सेकेंड एनुअल UK इंडिया। तो जो शिल्पा शेट्टी जी हैं, इन्होंने ग्लोबल इंडियन आइकन अवार्ड 2018 जीता हुआ है, तो नेम याद रखिएगा किसने जीता है, शिल्पा शेट्टी जी ने। नेक्स्ट, 11th एनुअल जर्नल मीटिंग ऑफ इंडो लंका चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हेल्ड इन कोलंबो। तो जो 11th एनुअल जर्नल मीटिंग हुई है, जो इंडो लंका चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मीटिंग हुई है, वो कहाँ हुई है दोस्तों, कोलंबो में। नेक्स्ट देखिए, सेव ग्रीन स्टे क्लीन, ये किस किस स्टेट का इनिशिएटिव है, वेस्ट बंगाल ने दिया है, सेव ग्रीन स्टे क्लीन। गवर्नर कौन है वहाँ के, जगदीप धनखड़ जी हैं, अभी चेंज हुए हैं। तो कौन है गवर्नर, जगदीप धनखड़ जी। नेक्स्ट देखिए, द वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक, जो वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक होता है कब होता है दोस्तों, 1st to 7th अगस्त, 1st to 7th अगस्त होता है, ध्यान दीजिएगा 1st to 7th अगस्त क्या होता है, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। नेक्स्ट, ब्रेस्ट फीडिंग वीक 1st to 7th अगस्त। आगे चलिए, RN रवि गवर्नर ऑफ नागालैंड, नागालैंड के अभी जो गवर्नर हैं वो कौन है, RN रवि जी हैं, ठीक है। नेक्स्ट, रिसेंटली US हैज डेजिग्नेटेड चाइना एज अ करेंसी मैनिपुलेटर कंट्री। तो अभी US ने क्या कर दिया, चाइना को करेंसी मैनिपुलेटर कंट्री घोषित कर दिया है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि अमेरिका ने अभी किस कंट्री को किया है करेंसी मैनिपुलेटर कंट्री, चाइना को, ठीक है, किसको किया है, चाइना, ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलिए, इंडिया ट्रांससेक्सुअल वोमेन नाज जोशी हैज़ बीन क्राउंड मिस डाइवर्सिटी 2019 एट पोर्ट लुइस इन मॉरिशस ऑन अगस्त 3। तो इंडिया की जो ट्रांससेक्सुअल वोमेन थी नाज जोशी जी, क्या नहीं है इनका, नाज जोशी जी, याद रखिएगा नाज जोशी जी क्या हुई हैं, इनको क्राउंड किया गया है, मतलब इनको ताज पहनाया गया है, मिस डाइवर्सिटी, ये मिस डाइवर्सिटी बन गई हैं, ओके 2019 की, और ये कहाँ पर हुआ था, पोर्ट लुइस में मॉरिशस, ठीक है, याद रखिएगा ये कहाँ पर इनको क्राउंड किया गया है, पोर्ट लुइस मॉरिशस में, और ये क्या बन गई हैं, मिस डाइवर्सिटी 2019 इनको क्राउंड किया गया है, और नेम क्या इनका, नाज जोशी जी। अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट बिल, तो जो अभी सुप्रीम कोर्ट में नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट बिल आया हुआ है, उसमें क्या हुआ दोस्तों, द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट शैल बी इंक्रीज्ड टू 33 एक्सक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो अब नंबर ऑफ जजेस कितने हैं, हो जाएंगे 33 के, मेन जो है ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनको छोड़कर, ओके जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनको छोड़कर अब कितने हो जाएंगे, 33 मीन्स 33 प्लस 1 हो जाएंगे, ओके। नेक्स्ट देखिए, पासपोर्ट पावर रैंकिंग,
तो पासपोर्ट पावर रैंकिंग 2019 आई है दोस्तों, इसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है 86, पासपोर्ट पावर रैंकिंग में इंडिया 86वें नंबर पर है। नेक्स्ट देखिए, एसएस गांगुली विंस द बेल्ट एंड रोड चाइना ह्यूमन इंटरनेशनल चेस टूर्नामेंट। तो जो चेस का भी टूर्नामेंट हुआ था, ये किसने जीता है, हमारे एसएस गांगुली जी ने। तो इंडिया के लिए क्या है, बहुत गर्व की बात है कि एसएस गांगुली जी ने चेस का टूर्नामेंट अभी जीता है, जो कहाँ पर हुआ था, चाइना में हुआ था। नेक्स्ट चलिए आगे, इंडिया कंट्रीब्यूट USD 5 मिलियन टू UN पैलेस्तीन रिफ्यूजी एजेंसीज। तो इंडिया ने क्या किया है, $5 मिलियन को, डॉलर जो है ना, किसको दिए हैं, UN पैलेस्तीन रिफ्यूजी एजेंसीज को दिए हैं। ठीक है, क्या करना होता है, अभी आप लोग बोलेंगे कि इंडिया के पास तो खुद पैसा नहीं है, इंडिया तो खुद अपने रिफ्यूजियों को नहीं संभाल पा रहा है, तो बाहर की कंट्रीज को पैसा क्यों देता है, जो जो हमसे कम डेवलप्ड कंट्री रहती हैं तो हमको उनको देना पड़ता है UN के थ्रू। ओके, और क्या करते हैं, और जो अमेरिका है, ये सब भी कम डेवलप्ड कंट्री को पैसा प्रोवाइड करवाते हैं, हम किसी से नहीं लेते हैं। जैसे पाकिस्तान है, वो अमेरिका से लेता रहता था इसी नाम से, है ना, इसी पर कि हम क्या हैं, अभी कम डेवलप्ड हैं, हमको डेवलप्ड करिए, इस वजह से। तो इंडिया भी क्या करता रहता है, कुछ जो अनडेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको पैसा प्रोवाइड करता रहता है। चलिए आगे, माउंटेनियरिंग टीम टू होस्ट इंडियन फ्लैग आर टॉप माउंटेन एल्ब्रुस ऑन इंडिपेंडेंस डे। तो क्या होगा, स्वतंत्रता दिवस के दिन माउंट एल्ब्रुस में क्या करेगा, इंडियन टीम, जो इंडियन टीम है, माउंटेनियरिंग की टीम है, वो क्या करेगी, इंडियन फ्लैग होस्ट करेगी, इंडियन फ्लैग को वहाँ पर लहराएगी। सो द टीम इज एमिंग टू होस्ट द इंडियन नेशनल फ्लैग ऑन August 15th। तो उस टीम का एम क्या है कि वो 15 अगस्त को उस वहाँ पर झंडा फहराए, ठीक है, वो झंडा फहराए, उनका ये एम है। तो ऐसा होगा, होना भी चाहिए, और हमारे देश के लिए बहुत गौरव की बात है। नेक्स्ट, नवोदयम, ये नवोदयम स्कीम किस स्टेट की है दोस्तों, आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश ने अभी एक नवोदयम स्कीम चालू की है। एग्जैक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि नवोदयम स्कीम किस स्टेट से रिलेटेड है, तो आंध्र प्रदेश, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट, द थर्ड एडिशन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट एजुकेशन ब्रेन स्टॉर्मिंग इवेंट द इश्कू न्यूज़ ग्लोबल एजुकेटर्स फेस्ट विल बी हेल्ड ऑन August 9-10 इन उदयपुर द सिटी ऑफ लेक्स। तो क्या होगा दोस्तों, जो तीसरा एडिशन है इंडियाज लार्जेस्ट एजुकेशन ब्रेन स्टॉर्म इवेंट जो होगा, वो क्या नेम है उसका, द इश्कू न्यूज़ ग्लोबल एजुकेटर्स फेस्ट SGEF, ये कहाँ पर होने वाला है, उदयपुर में। और उदयपुर को क्या बोलते हैं दोस्तों, द सिटी ऑफ लेक, है ना, जैसा कि आप लोग जानते हैं, क्या बोलते हैं, द सिटी ऑफ लेक, किसको बोलते हैं, उदयपुर को। तो उदयपुर में इसकू न्यूज़ ग्लोबल एजुकेटर फेस्ट SGEF होने जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट देखिए, उसका थीम क्या है दोस्तों, जो अभी इसकू न्यूज़ ग्लोबल एजुकेटर्स फेस्ट होने जा रहा है उदयपुर में, इसका थीम आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में थीम पूछता है। तो थीम क्या है, एजुकेशन फॉर सस्टेनेबिलिटी मूविंग ऑन फ्रॉम कन्फर्मिटी टू क्रिएटिविटी। तो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, साइंटिस्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स इंग्लैंड हैव डेवलप्ड वर्ल्ड्स थिनेस्ट 2D गोल्ड That measures just two atoms से मिलके एक 2D गोल्ड बनाया गया है। और ये कहाँ के साइंटिस्ट ने बनाया है, यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स इंग्लैंड, ठीक है, याद रखिएगा, कहाँ के हैं साइंटिस्ट, इंग्लैंड के। आता है आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप कर लेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, 2D गोल्ड किस यूनिवर्सिटी से, यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स। चलिए नेक्स्ट, और ये केवल 2 एटम से मिलके बनाया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, IIT गुवाहाटी हैव डेवलप्ड अ लो कॉस्ट हैंड हेल्ड डिवाइस टू डिटेक्ट बैक्टीरिया विदाउट द टाइम कंज्यूमिंग सेल कल्चर एंड माइक्रोबायोलॉजिकल एसेस। ओके, तो क्या हुआ है, IIT गुवाहाटी ने डेवलप किया एक लो कॉस्ट हैंड हेल्ड डिवाइस, जो क्या करेगा, बैक्टीरिया पकड़ेगा, ओके, बैक्टीरिया डिटेक्ट करेगा, ठीक है, बिना किसी टाइम कंज्यूमिंग सेल्स,
ओके, बिना किसी टाइम कंज्यूमिंग के ये क्या करेगा, बैक्टीरिया डिटेक्ट करेगा। और ये किस यूनिवर्सिटी ने बनाया, आईआईटी गुवाहाटी में बनाया गया, डेवलप्ड किया गया कौन सा ये डिवाइस। ओके चलिए आगे चलते हैं। भारत रत्न प्रेजेंटेड टू प्रणब मुखर्जी, अभी आपको पता होगा 3 लोगों को क्या दिया गया है, भारत रत्न दिया गया था, बहुत पहले ही इनको अनाउंस कर दिया गया था, बट अभी क्या हुआ है इनको दे दिया गया है। तो कौन से 3 लोग हैं, प्रणब मुखर्जी जी, भूपेन हजारिका जी एंड नानाजी देशमुख। तो इन 3 पर्सन्स को क्या दे दिया गया है, भारत रत्न। ठीक है, तो आपको नाम याद रखने हैं, प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका एंड नानाजी देशमुख। आपसे ऑप्शन में क्वेश्चन में एग्जाम में आता है, 3 में से कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, कि किनको दिया गया है किनको नहीं दिया गया। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो भूपेन हजारिका जी हैं एंड नानाजी देशमुख जी हैं, इनको पॉस्टमसली अवार्ड दिया गया है, मतलब इनके डेथ होने के बाद, इनकी डेथ होने के बाद, ठीक है, इनकी क्या हो गई है, डेथ हो गई है, इसके बाद दिया गया है। बट प्रणब मुखर्जी ने ये अवार्ड क्या है लिया है, है ना, और इनको पॉस्टमसली दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, टोटल अभी तक 48 लोगों को ये अवार्ड दिया जा चुका है। ठीक है, भारत में कितने लोगों को दिया जा चुका है, 48 लोगों को। नेक्स्ट, और 2 ऐसे नॉन इंडियंस थे जिनको ये अवार्ड दिया गया है, एक थे खान अब्दुल गफ्फार खान जी और दूसरे नेल्सन मंडेला जी। ठीक है, इनको अफ्रीका का गांधी भी बोला जाता है। नेक्स्ट, फर्स्ट टाइम जो पहली बार दिया गया था वो किसको दिया गया था, 3 लोगों को, राजगोपालाचार्य जी, सीवी रमन जी एंड राधा कृष्णन जी। ठीक है, ये 3 लोगों को पहली बार ये भारत रत्न दिया गया था। और एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि 3 पर्सन से ज़्यादा एक बार में नहीं दे सकते, है ना, ये अवार्ड हर साल दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि कभी 5 ईयर में या 4 ईयर में या 2 ईयर में, ऐसा नहीं है, हर साल ये अवार्ड्स दिए जा सकते हैं। ठीक है, बट 3 पर्सन से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। ठीक है, जैसा आप भी आपको पता होगा, इसके पहले किसको दिया गया था, सचिन तेंदुलकर जी को। नेक्स्ट, सचिन तेंदुलकर जी को ये अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट देखिए, बांदीपुर एड्स वैल्यू वर्थ 6405 करोड़, ये इसका वैसे कोई मतलब नहीं है, बट मैंने इसलिए लगा दिया क्योंकि अभी आपको पता होगा टाइगर्स डे था, तो उस दिन आपको टाइगर्स की काउंटिंग आई हुई थी कि हाईएस्ट टाइगर कहाँ पर हैं, किस स्टेट में है, किस टाइगर रिजर्व में है, वो सारा था, इस वजह से ये आपके लिए लगा दिया गया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट इज ADB टू गिव $200 मिलियन एड फॉर स्टेट्स रूरल रोड प्रोजेक्ट फॉर महाराष्ट्र। तो जो ADB ने अभी किस स्टेट को दिया है, महाराष्ट्र को, कितना पैसा दिया है, $200 मिलियन। ठीक है, रूरल रोड प्रोजेक्ट के लिए, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे। गर्ल जो एक लड़की है एलंगबाम हु क्राइड ओवर फेल ट्रीज इन मणिपुर्स ग्रीन एम्बेसडर। क्या हो रहा था दोस्तों, कि उसने कुछ पेड़ लगाए हुए थे, ठीक है, उनको पेड़ और रोड बन रहा था वहाँ पर, तो वो पेड़ को काट दिया गया। अब जब पेड़ को काट दिया गया तो वो लड़की क्या होने रोने लगी, है ना, रोने लगी कि नहीं, और ये पेड़ नहीं काटने चाहिए थे, और ये वो, मतलब उसको ज़्यादा लगाव होगा उन पेड़ों से। तो वहाँ के जो CM थे उन्होंने क्या कर दिया, उस लड़की को वहाँ का मणिपुर का ग्रीन एम्बेसडर बना दिया। ठीक है, तो याद रखिएगा किस स्टेट से है, मणिपुर से, और उस गर्ल का नेम क्या है, एलंगबाम। ठीक है, एलंगबाम को क्या बना दिया गया, मणिपुर ग्रीन एम्बेसडर, वीडियो वायरल होने के बाद ऐसा किया गया। नेक्स्ट देखिए, क्विट इंडिया मूवमेंट डे। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था दोस्तों, 7 अगस्त को ये मनाया जाता है, क्विट इंडिया मूवमेंट डे। और कब हुआ था ये, 7 अगस्त 1942 को, याद रखिएगा कि कब मनाया जाता है, कब हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, 7 अगस्त 1942। नेक्स्ट, द वर्ल्ड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट एक्वाडक्ट वाटर रिस्क एटलस रैंक्ड वाटर स्ट्रेस ड्रॉट रिस्क। तो इसमें इंडिया का रैंक आपको पता करना है, तो क्या है, 13वीं रैंक आई इंडिया की। ठीक है, जो वर्ल्ड रिसोर्स में ड्रॉट रिस्क आई है, स्ट्रेस ड्रॉट रिस्क, इसमें इंडिया की रैंक क्या है दोस्तों, 13वीं रैंक आई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, RBI हैज़ कट रेपो रेट बाई 35 बेसिस पॉइंट्स। हमेशा क्या होता है दोस्तों, कि RBI का करता है,
25 के उस पे कट करता है या बढ़ाता है, 0.25 में कट करता है या बढ़ाता है, ठीक है। बट इस बार क्या हुआ है कि 35 बेसिस पॉइंट पे उसने क्या किया है, कट किया है ना। अक्सर ऐसा नहीं होता है, हमेशा मैंने तो कई बार से देख रहा हूँ कि क्या होता है कि 3-4 ईयर से और देख रहा हूँ तो 25% ही कट करता है या बढ़ाता है, जो भी करता है रेपो रेट में 25% ही करता है, 25 या 50%, है ना। बट इस बार क्या हुआ है, अलग गया है, 35% कट किया है। कितना किया है, 0.35%, ओके, जो बेसिस पॉइंट था। तो याद रखिएगा, एग्जाम में इस बार आ सकता है क्योंकि बहुत ही अलग किया है। तो RBI हैज़ कट रेपो रेट बाय 35 बेसिस पॉइंट टू 5.40, तो अभी कितना बचा है, 5.40%, टू गिव अ फ्लिप टू द इकोनॉमी, इकोनॉमी को और ज़्यादा बढ़ाने की वजह से। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक थिंक टैंक NCAERS रिपोर्ट, इंडियाज़ GDP ग्रोथ इज़ लाइकली टू बी 6.2। अभी जैसे आपको पहले भी बताया था कि क्या हुआ, क्रिसिल ने भी अपनी 7.1 से कम करके 6.9 कर दी है ना। और जो अभी इकोनॉमिक थिंक टैंक है इंडिया का, उसने क्या किया है, उसने भी एक रिपोर्ट दी है जिसमें बताया कि इंडिया की जो GDP ग्रोथ है वो लगभग 6.2 के समथिंग चलेगी, है ना, 6.2 के समथिंग। नेक्स्ट देखिए, सो 6.2% ड्यूरिंग द करंट फिस्कल इस टाइम पर, एंड डाउन फ्रॉम 6.8% इन 2018-19, और 18-19 में 16.8। नेक्स्ट देखिए, इसरो हैज़ अनाउंस्ड, इसरो ने क्या किया, अभी अनाउंस किया है इट्स विक्रम साराभाई जर्नलिज्म अवार्ड इन स्पेस साइंस। तो विक्रम साराभाई जर्नलिज्म अवार्ड अभी एक अनाउंस किया है इसरो ने, जो क्या होगा, टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च टू रिकॉग्नाइज एंड रिवॉर्ड जर्नलिस्ट हु हैव एक्टिवली कंट्रीब्यूटेड टूवर्ड्स द फील्ड ऑफ स्पेस साइंस एप्लीकेशंस एंड रिसर्च। तो जो इन सब से रिलेटेड चीज़ें जर्नलिज्म में करेंगे उन सबको क्या होगा, उनको, उनमें से किसी को क्या दिया जाएगा, विक्रम साराभाई जर्नलिज्म अवार्ड दिया जाएगा, जो स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी इन रिसर्च में काम करेंगे, ठीक है। तो ये अवार्ड किसका है आपको याद रखना है, किसने स्टार्ट किया है, इसरो ने स्टार्ट किया है, ठीक है। और अवार्ड का नेम क्या है, विक्रम साराभाई जर्नलिज्म अवार्ड, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज थैंक यू। तो ये था आपका अगस्त फर्स्ट वीक का करंट अफेयर्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।